प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार साध है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में प्रवक्ता यांत्रिकी पद पर कार्यरत हूँ। आज थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पर पुनः एक आगे नया टॉपिक ले रहे हैं, जिसका नाम है एक्सेलरेशन फॉर फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म। चूंकि वेलोसिटी डायग्राम पूर्व में ड्रा कर चुके हैं, इसके बारे में आगे बताया जा चुका है कि किस तरह से फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म का वे का डायग्राम ड्रा करते हैं, उसको आगे पूर्व में एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज हम त्वरण डायग्राम के बारे में अर्थात एक्सेलरेशन डायग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो लिंक रोटेट कर रहा है, यहाँ पर ओ वाली लिंक है जो कि ओमेगा कोणीय वेग से 10 रेडियन पर सेकंड कोणीय वेग से यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। साथ में इसमें एक चीज और दे रखी है, कोणीय त्वरण अल्फा, कोणीय त्वरण अर्थात एंगुलर एक्सेलरेशन, वो दे रखा है 30 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जब दोनों चीजें दी हुई हो तो हमारे को किस तरह से इस लिंक का एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रा करना है वो देखिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डायग्राम करेंगे, जिसे रेडियल या त्रिज्य डायग्राम भी त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम फिक्स पॉइंट लेंगे, जितने भी फिक्स पॉइंट है O1 O2 O3 O4 जो भी होते हैं उनको सबको सर्वप्रथम हम एक साथ मिला देते हैं। यह अपने आप ही फिक्स पॉइंट हो गया। इस फिक्स पॉइंट से O1A के समानांतर A से O1 की तरफ हम एक रेखा खींचेंगे। इसके पश्चात यहां कैलकुलेशन करते हुए इसका मान ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करके इसके लेंगे, इसके लेने के पश्चात हम कट लेंगे। तो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एनी लिंक, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसका मान होता है वी ए बी का वी ओ वन ए का स्क्वायर अपॉन ओ वन ए, अर्थात वेलोसिटी ओ वन ए किसको इंडिकेट कर रही है, वेलोसिटी ए को इंडिकेट कर रही है, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे वी ए, वी ए का स्केल से गुणा करने का जो भी वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे, ओ वन ए का जो मान है 30 सेंटीमीटर वो यहाँ रख देंगे और इस प्रकार से इसका त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण मान लीजिए इसका आता है 250 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज करो ये आता है, मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, 50 स्केल लेंगे, स्केल लेंगे हम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस प्रकार हम स्केल लेंगे। स्केल लेकर के हम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर कट लगा देंगे, कट लगाने से हमारे को सर्वप्रथम एक वैल्यू प्राप्त होगी, एक पॉइंट प्राप्त कर सकते हैं एक्स, अर्थात ये हमारा वास्तव में क्या है, हमारा ये हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, और इसका मान हो गया वी ए का स्क्वायर अपॉन ओ वन ए, इसका मान हो गया। दूसरा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि इस लिंक का टोटल एक्सेलरेशन कुल त्वरण वास्तव में इसके सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वेक्टर एडिशन के बराबर अर्थात वेक्टर योग के बराबर होता है। दूसरा हम लेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो जाहिर है कि हम इधर चलेंगे और यहां पर हम पुनः कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए, इसका मान क्या होता है, एफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओ वन इक्वल टू अल्फा ओ वन ए इंटू ओ ए। इस सूत्र से हम इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज्ञात करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज्ञात करने के बाद पश्चात जो भी स्केल है उस स्केल का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ कट लगाएंगे।
इफेक्ट लगा दिया। इससे हमारे को वास्तव में ओ वन से ए अर्थात हमारे को ये ए डैश प्राप्त हो गया है, इसको हम इससे मिलाते हैं, ये हो गया वेक्टर योग। अब हम क्या करेंगे, ए वन से ए से बी की तरफ चलेंगे, ए से बी की तरफ चलने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस लिंक के समानांतर रेखा खींचेंगे, और रेखा खींचने के पश्चात पुनः इसकी गणना करेंगे। यहां इसकी गणना करने के लिए हम कहेंगे, हम देखेंगे कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ लिंक बी विद रेस्पेक्ट टू ए इजिकल टू वी ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। इस फार्मूले से यह वास्तव में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, यह निकाल करके स्केल देते हुए हम इसका कट मारेंगे, कट मार के इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए वो यहाँ आता है कट, तो इसका मान जो भी होगा याद कर लेंगे। यह क्या है, यह है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इजिकल टू वी ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी स्केल के हिसाब से वैल्यू जो भी आती है वहां कट मार के हम ये पॉइंट याद कर लेंगे। इससे हमारा ये प्राप्त हो गया वाई वाई प्राप्त। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से दूसरा इसका इसी लिंक का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमारे चूंकि ज्ञात नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से डॉट 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 करके इसको छोड़ देंगे। इसके ठीक लंबवत हम डॉट करके छोड़ देंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से इसी रेखा पर निहित होगा, ये हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं यहाँ से। अब हम पुनः चलते हैं बी से ओ टू के लिए, यानी कि ओ टू बी लिंक के लिए, ओ टू बी लिंक के लिए हम इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन लेते हैं इसी के समानांतर। और समानांतर लेने के पश्चात यह कैसे प्राप्त करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ गणना करते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ओ टू, और इसका मान आएगा वी बी का स्क्वायर अपॉन बी ओ टू। इसका मान आएगा, इससे इसका मान आने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ कट लगाएंगे, कट लगाने से हमारे को पहले एक्स प्राप्त हुआ, दूसरे में वाई प्राप्त हुआ, तीसरे में मान लीजिए इसको जेड कहते हैं, जेड प्राप्त। इससे इसके ठीक नंबर पर हम इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्रा करेंगे। दोनों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर हमारे को वास्तव में ये जो पॉइंट बी है अर्थात बी डैश प्राप्त हो जाएगा। दोनों जान लेते हैं वहां पर हमारे को बी डैश प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू अल्फा ए बी इंटू ए। इसका मान प्राप्त हो जाएगा, क्यों इसको माप लेंगे, मापने के पश्चात स्केल से गुणा करके इसकी एक्चुअल वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। इससे हमारे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में ए बी का भाग लेंगे तो हमारे को अल्फा ए बी अर्थात लिंक ए बी का कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा, जो जनरली पूछा जा सकता है। अर्थात हमारे को इस संपूर्ण डायग्राम में विशेष रूप से क्या निकालना होता है, अल्फा ए बी और जो मिड पॉइंट है लिंक ए बी पे उसका त्वरण, दो चीज़ याद करनी है हमारे, तो हम इससे एफ आई बी निकाल सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो हमने देखा कि ये हमारे को ये प्राप्त हो गया। दूसरा ये देखा, यहां से यही आया और ये हो गया, और इस बी डैश को हम ए डैश बी डैश हमारे को प्राप्त हो गया, अर्थात ओ वन ओ टू बी इसको इससे मिला के बी प्राप्त हो गया। बी प्राप्त होने के बाद में हम इन दोनों का योग कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ बी, बी का त्वरण, इस पॉइंट का त्वरण, ये इसके ओ टू बी के रेडियल सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्लस इसका ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों के योग से हमारे को एफ बी टोटल प्राप्त हो गया, एफ बी का त्वरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब हमारे पास हमारे को त्वरण ज्ञात करना है इस मिड पॉइंट का। तो ए डैश बी डैश आने के पश्चात ये ए बी लिंक का जो त्वरण है ए डैश बी डैश ये ज्ञात करने के पश्चात हम इसमें ये देखते हैं कि मिड पॉइंट कहाँ है। इसका मिड पॉइंट जहाँ भी होगा ए वन बी डैश वहाँ हम एम डैश लिख देंगे। एम डैश लिखने के पश्चात फिक्स पॉइंट से इस एम डैश को मिला देंगे। मिलाने के पश्चात ये हो जाएगा एफ एम। मिलाने के पश्चात इसके वो माप लेंगे, मापने के पश्चात इसके से गुणा कर लेंगे एक्सेलरेशन जो भी इसके लिए हुई है उसे गुणा कर लेंगे। गुणा करने से हमारे को इस मिड पॉइंट एम का एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन डायग्राम फॉर फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म पूरा कर लेते हैं। इसके अंदर जनरली हमारे को कोई भी चीज पूछी जाती है तो कोई भी पॉइंट दे देते हैं उसका एक्सेलरेशन ज्ञात करना होता है, और किसी एक लिंक का एंगुलर एक्सेलरेशन ज्ञात करना होता है। जनरली कनेक्टिंग रॉड जो ए बी यहाँ पर है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अर्थात लिंक ए बी का एंगुलर एक्सेलरेशन कौन ही पर ज्ञात करना होता है, जो कि हम इस प्रकार से कर लेते हैं। डायग्राम जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन को परीक्षा में प्राय हर साल पूछा जाता है, चाहे वो स्लाइड टैंक मैकेनिज्म का हो चाहे फॉरवर्ड चेन मैकेनिज्म का हो। लेकिन इस प्रश्न को सदैव समय रहते हुए अंतिम में सारे सवाल अटेम्प्ट करने के बाद जितना समय होता है उसी हिसाब से इस प्रकार के क्वेश्चन को करना चाहिए। कारण कि विद्यार्थी जब कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए तब भी करते हैं वैल्यू पुटअप करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बगैर प्रैक्टिस के इस प्रकार के सवाल स्टार्टिंग में परीक्षा के प्रारंभ में कभी भी पेपर में इस इन सवालों को प्रारंभ में कभी भी अटेंड नहीं करना चाहिए। कारण कि कई बार विद्यार्थी ऐसे सवालों में उड़ जाते हैं फिर बाहर भी नहीं निकल पाते समय निकल जाता है। इसलिए ये विद्यार्थियों को विशेष रूप से हिदायत दी जाती है कि इस प्रकार के सवाल समय बचत रखते हुए लास्ट में अपने सवाल को पहले जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेंड कर लीजिए उसके पश्चात इस प्रकार के सवाल को अटेंड करना चाहिए। हालांकि सवाल हम पूरे में से पूरे नंबर आते हैं बड़ी तसली से सावधानी से समझदारी के साथ पेंसिलों का इस्तेमाल करते हुए आप आराम से इनको करिए। हमेशा इसके अंदर ये ध्यान रखने की बात होती है कि जो भी किसी भी टोटल एक्सेलरेशन को ड्रा करना है तो जो भी इसके प्रेजेंशियल और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो ड्रा करता है तो वो हमेशा डॉटेड लाइन से शो किए जाते हैं और टोटल एक्सेलरेशन को हमेशा फर्म लाइन से शो किया जाता है। जिस प्रकार से वेलोसिटी डायग्राम में हम किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो यहाँ कनेक्टिंग रॉड से जब लाइन बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी ए बी के पश्चात जो भी लाइन बढ़ाते हैं हमने परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हेल्प के लिए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं बाकी की जो लाइन है वो फॉरेज पेंसिल से ड्रा करते हैं और मूल लाइन है वो हमेशा फर्म लाइन से अर्थात एच पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है।